मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर वन शो, ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है, मैं आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर, और पहली बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के घर ईडी पहुंच गई है। ईडी ने रेड की केजरीवाल के घर और केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, सर्च वारंट लेकर पहुंची है। केजरीवाल को क्या ईडी आज उठा लेगी? केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। आपको बताऊंगा कि केजरीवाल गिरफ्तारी पर रोक के लिए कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत में क्या हुआ, क्या ये सारे संकेत इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने वाली है? क्या सवाल कर रही है ईडी केजरीवाल से? खबर यह है कि केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है ईडी ने। ईडी केजरीवाल से कह रही है कि आप ईडी ऑफिस चलिए, क्या चल रहा है केजरीवाल के घर के अंदर, यह मैं आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बदायूं मर्डर केस का एक और गुनहगार जावेद गिरफ्तार हो गया है। जावेद की गिरफ्तारी हो गई है, क्या अब राज खुलने वाले हैं? जावेद बताएगा कि आखिर साजिद ने दो मासूम की हत्या क्यों की। जावेद ने बाकायदा एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में जावेद क्या कह रहा है यह आपको बताऊंगा। जावेद कहां भागने वाला था, देश छोड़कर जाने वाला था, कैसे कहां पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा मासूम बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, बेरहमी से बच्चों की हत्या की है साजिद ने, पूरे शरीर को चाकुओं से छलनी कर दिया है। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हिला देने वाली है, वो आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर कांग्रेस आज सामने आई, कांग्रेस के तीन बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तीनों एक साथ सामने आए, कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, चुनाव कैसे लड़े, कहां गए कांग्रेस के पैसे, क्यों खाते फ्रीज हो गए, कैसे लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी कह रहे हैं दो रुपए नहीं है मेरे पास। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर यह है केजरीवाल को उठाने पहुंची है क्या ईडी। केजरीवाल जो अब तक गिरफ्तारी से डर रहे थे, गिरफ्तारी से भाग रहे थे, कल मैंने आपको बताया था केजरीवाल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और आज केजरीवाल के घर ईडी पहुंच गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह केजरीवाल के घर की तस्वीर है, मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर आप देख रहे हैं, ईडी के अधिकारियों को आप देख रहे हैं। केजरीवाल के घर के बाहर एसीपी रैंक के अफसर हैं, एसीपी रैंक के अफसर केजरीवाल के घर के बाहर, फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज, और केजरीवाल से सवाल जवाब कर रहे हैं, करने के लिए पहुंचे। सुनिए वो कह रहे हैं सर्च वारंट के साथ आए, मैं तो जिनको कहूंगा वही तो लेके जाएंगे, मैं भी नहीं जाता हूँ। ये देख रहे हैं ईडी के अफसर पहुंचे, पहले उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, गेट पर रोका गया। एसीपी रैंक के कई अफसर पहुंचे, उन्होंने बताया, उन्होंने फाइल दिखाई, रेड फाइल जो आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा ये सर्च वारंट है हमारे पास। सुनिए मैं तो जिनको कहूंगा वही तो लेके जाएंगे, मैं भी नहीं जाता। ईडी के अफसर कह रहे हैं सर्च वारंट है, इन्फॉर्म करना है, अंदर सर्च के लिए पहुंचे हैं। केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका था। अगली तस्वीर देखिए, ये सर्च वारंट है जो क्लोज में आपको दिखा रहा हूं, कह रहे हैं हमें परिसर की तलाशी लेनी है, हमें केजरीवाल के पास ले चलिए। सुनिए जरा आप आप देख रहे हैं सर्च वारंट के साथ ईडी पूरी तैयारी के साथ केजरीवाल से पूछताछ के लिए पहुंची है एसीपी रैंक के अधिकारी। और ये देखिए केजरीवाल के घर के बाहर की,
किस तरह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ तैनात कर दी गई है केजरीवाल के घर के बाहर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, केजरीवाल की पार्टी के सीनियर लीडर्स को बुलाया गया। क्या ईडी केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए पूरी तैयारी कर ली गई है। केजरीवाल को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। केजरीवाल ईडी से भागे भागे फिर रहे थे, आज केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ईडी के पहुंचने से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई थी, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हो गए थे, बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। पता था, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंचने वाली है। दिन में ही केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा जब हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई और फौरन केजरीवाल के घर देखिए कौन पहुंचे, मंत्री, केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज को जैसे ही पता चला ईडी की टीम पहुंची है, सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के घर पहुंच गए। आइए अब आपको बताऊं केजरीवाल के घर के अंदर कौन कौन है, केजरीवाल क्या कर रहे हैं इस वक्त घर के अंदर। केजरीवाल के मैं आपको लिए चलता हूं, केजरीवाल के ड्रॉइंग रूम में आपको लेकर चल रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये अंदर की तस्वीर है, केजरीवाल घर में मौजूद है। दोपहर में कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला सुनाया, गिरफ्तारी पर राहत देने से इनकार कर दिया कोर्ट ने। शाम होते होते ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच गई, भारी पुलिस बल के साथ ईडी दिल्ली सीएम के घर पहुंची। एसीपी रैंक के कई अधिकारी केजरीवाल के घर में इस वक्त मौजूद। केजरीवाल के घर हलचल बढ़ी तो सियासी सरगर्मी और बढ़ गई। आम आदमी पार्टी ने बड़े नेताओं को फौरन दफ्तर बुलाया, कयास लगाए जाने लगे कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि ईडी अफसरों ने तलाशी वारंट का जिक्र किया कि हम तलाशी लेने आए, और फिर केजरीवाल के घर की छापेमारी में जुट गई। केजरीवाल के घर के अंदर तलाशी हो रही है, कोना कोना छाना जा रहा है, सारे दस्तावेज ढूंढे जा रहे हैं। दावा है कि ईडी की टीम केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए पहुंची। जांच अधिकारी है जोगेंद्र, वो केजरीवाल से सवाल जवाब कर रहे हैं। ये जोगेंद्र साहब वही है जिन्होंने केसीआर की बेटी के कविता से गिरफ्तारी के बाद सवाल जवाब किए, पूछताछ की है। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 10वां सम्मन भी दिया है, खबर यह है। इससे पहले 9 सम्मन में केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पेश हुए, लेकिन इस बार ईडी हर तरह के एक्शन को तैयार है। मतलब सम्मन में पेश ना होने पर केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। इस मामले में आम आदमी पार्टी फौरन सक्रिय हो गई। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी क्या कह रही हैं और बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। वो तो स्वाभाविक है, आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। और तीनों बातें आज स्पष्ट हुई हाई कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे फर्जी हैं संबंध, दूसरा कहते थे इलीगल हैं संबंध, और तीसरा कहते थे मेरे खिलाफ सबूत नहीं है। तो तीनों बातें आज स्पष्ट होगी हाई कोर्ट के अंदर, फर्जी संबंध नहीं है, इलीगल नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि तुम ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते, जब यह कहा गया कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, ईडी ने स्पष्ट तौर पर ईडी के एडवोकेट ने कहा हां अरविंद केजरीवाल को हम अरेस्ट कर सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा सबूत दिखाइए, 2:30 बजे लाकर सारे सबूत दिखाए गए, और सबूत देखने के बाद हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पर मना कर दिया अरविंद केजरीवाल को हम उनकी अरेस्ट पे स्टे नहीं कर सकते, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। और इस बीच आपको बताऊं बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल सपोर्ट नहीं कर रहे, केजरीवाल ईडी का के सवालों के जवाब नहीं दे रहे, किसी भी वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। केजरीवाल से ईडी जो सवाल जवाब कर रही है, केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे, सहयोग नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे ईडी को, इसलिए केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाने की तैयारी है। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। जल्दी से आपको लिए चलूंगा सीधे अरविंद केजरीवाल के घर, अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मृदुल मौजूद है, मृदुल से सीधा सवाल पूछेंगे। मृदुल अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है,
आप जरा फौरन तस्वीरें दिखाइए, आप कहां मौजूद है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी जानकारी मृदुल ये मिल रही है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी को, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले जा सकती है ईडी के दफ्तर। बिल्कुल, और देखिए मैं इस समय ईडी के दफ्तर पर ही मौजूद हूं सोहेल, और ईडी के जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि उनके कार्यकर्ता बाहर सड़कों पर पहुंच गए, जो तस्वीर अभी हमने देखी थी, लेकिन ईडी के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी तक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में जो तस्वीर आपने दिखाई, पहले से ही ईडी के अधिकारी जैसे ही वहां पर पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल हालांकि फोन जब्त कर लिए, ऐसे आम आदमी पार्टी के आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, उनके पास तमाम वो सबूत मौजूद हैं, पूरी जो मनी ट्रेल है वो मौजूद है, एक एक चीज ईडी के पास सबूत के तौर पर मौजूद है, ये ईडी के बड़े अधिकारी कह रहे हैं। जी मृदुल माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, मैं सीधे चलता हूं, मृदुल आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, सीधे चलता हूं। श्वेता हमारे साथ मौजूद है, अनामिका हमारे साथ मौजूद है। श्वेता अनामिका, अगर आपको मेरी आवाज आ रही, तस्वीरें दिखाइए, वहां क्या हलचल है। खबर मिल रही है किसी भी वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी उन्हें अपने दफ्तर ले जा सकती है। देखिए इस वक्त सोहेल आपको बता दें, यहाँ पर जो हलचल है वो बहुत तेज है, यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है, धारा 144 लागू कर दी गई। सोहेल जरा तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर देखिए आप जी एक बैठे अंदर जो ईडी की टीम है जी, ईडी दफ्तर ले जाने की, क्योंकि आप ही समझे जब ईडी की टीम यहाँ पर 7:30 बजे शाम को पहुंचती है तो सबसे पहले ईडी ने यहाँ पर तलाशी ली होती है, वो तलाशी जो बहुत जरूरी थी उस फाइल को खंगालने के लिए जो शराब घोटाले से जुड़ी थी। इसके बाद जो फोन है वो लिए जाते हैं, फिर जो अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ अधिकारी मौजूद है उसको बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाएंगे। इस दौरान आपको बताएं जिस तरीके से केस भी दर्ज किया जाता है उसमें सहयोग नहीं कर रहे होते हैं अरविंद केजरीवाल, जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं अरविंद केजरीवाल के उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे होते हैं। सोहेल आपको याद होगा ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि मैं तो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं तो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज जब ईडी की पूरी टीम यहां उनके घर के अंदर पहुंच गई, जब मौका था तो उन सवालों के जवाब देने का, तब ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल एक तरह से कन्फ्रंट कर रहे हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने में भी उन्होंने कन्फ्रंट किया था, और ये एक एक जो कड़ी है वो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों की घड़ी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो सवाल जिसका जवाब ईडी उनसे लेना चाह रही है, जिसके जो दस्तावेज है वो कोर्ट में आज पेश किए जी जी, हाँ हमारे पास सबूत है और वो सबूत कोर्ट में रख दिए गए, वही वो सबूत है जिनके जवाब आज यहाँ पर हासिल करने की कोशिश अनामिका की जा रही है। और शायद यही वजह है कि जैसे ईडी की टीम अंदर पहुंची वैसे ही अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप, बाकी गैजेट्स को यहाँ पे ईडी की टीम ने अपने पास रख लिया, इसके बाद उस डेटा को कॉपी किया जा रहा है। साथ ही अब दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल सपोर्ट नहीं कर रहे, दरअसल अरविंद केजरीवाल उन सवालों के जवाबों से बच रहे हैं जहां पे उनसे मनी ट्रेल को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, सिसोदिया हो चाहे बाकी अन्य जो इसमें इस पूरे मामले में आरोपी है उनके कनेक्शन। आपके पास आऊंगा, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास आऊंगा, लेकिन केजरीवाल से अंदर सवाल जवाब हो रहे हैं, आपने सुन लिया, लेकिन ईडी की टीम इस वक्त केजरीवाल के घर सवाल जवाब कर रही है। आइए आपको बताता हूं केजरीवाल से कौन से बड़े सवाल किए जा रहे हैं। केजरीवाल को जिन सवालों से डर था आज उन्हीं सवालों से सामना हो रहा है केजरीवाल का। केजरीवाल ड्राइंग रूम में, ईडी के अधिकारी जोगिंदर सामने है, वो पूछ रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में आप क्या जानते हैं, साउथ यानी दक्षिण की लॉबी से 100 करोड़ कैसे मिला, आबकारी नीति में बदलाव क्यों किया गया, क्या आपके कहने पर ये सारे बदलाव किए गए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो आबकारी नीति में बदलाव किए गए इसके जरिए करोड़ों कमाए गए बनाए गए इसके बारे में मुख्यमंत्री को ना पता हो, ईडीआई जानने की कोशिश कर रही है। के कविता को लेकर भी केजरीवाल से सवाल जवाब हो रहे हैं। के कविता केसीआर की बेटी जिसे अरेस्ट किया, उनके घर से जाकर अरेस्ट किया गया, के कविता ने कहा गया कि केजरीवाल का नाम लिया है, केजरीवाल और सिसोदिया सब जानते हैं, इसलिए ईडी की टीम और सक्रिय हो गई है। अब बुनियादी सवाल यह है कि केजरीवाल के लिए वक्त कम बचा है, किसी भी क्षण किसी भी पल केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट, अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए।
सबूत देखने के बाद हाईकोर्ट ने क्लियर तौर पर मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल को हम उनकी अरेस्ट पे स्टे नहीं कर सकते, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। क्या गिरफ्तार होने वाले हैं केजरीवाल? क्या दिल्ली के सीएम भी अब जाएंगे जेल? कोर्ट के आदेश के बाद ईडी एक्शन में आई और भारी पुलिस बल के साथ केजरीवाल के घर पहुंच गई, तो साथ ही शुरू हो गई सियासी वार पलटवार। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। ईडी सम्मन देने पहुंची, तलाशी के लिए गई या केजरीवाल के घर छापेमारी के लिए पहुंची, तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे। केजरीवाल के घर में हलचल बढ़ी तो साथ ही बढ़ने लगी गिरफ्तारी की तलवार और भारी सियासी बवाल। अब मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की भूमिका कैसे बन गई। केजरीवाल जिस गिरफ्तारी से भाग रहे थे, कोर्ट पहुंचे अपनी गिरफ्तारी की रोक की मांग को लेकर, कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी। यानी समझ लीजिए केजरीवाल खुद शिकंजे में आ गए और उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया केजरीवाल। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। जिस बात का जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम केजरीवाल से पूछताछ कर रही थी, केजरीवाल ईडी का सहयोग नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं करने के चलते अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद, एसीपी रैंक के अधिकारी केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद। केजरीवाल के घर सर्च के लिए पहुंची थी टीम और सर्च करने गई टीम ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल गिरफ्तारी पर रोक की मांग के लिए कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, ईडी ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। संभवतः घर से ईडी केजरीवाल को अब ईडी दफ्तर लेकर जाएगी किसी भी वक्त। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी लगातार केजरीवाल को सम्मन भेज रही थी, केजरीवाल सम्मन के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। आज भी 10वां सम्मन केजरीवाल को दिया गया। ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची और केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। और बड़ी खबर, हमारे साथ श्वेता सीधे केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। श्वेता, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, वहां हलचल दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर, इस वक्त अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं ईडी की टीम। जब उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही थी तभी ये क्लियर था कि उनको अब अरेस्ट कर लिया गया। ये मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, उसके बाद अब और ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर जो अब ईडी की टीम लेकर के निकलेगी अरविंद केजरीवाल जी, बड़ी चुनौती हो गया। हालांकि धारा 144 पूरी जगह पर लागू कर दिया गया, लेकिन जो अगली बड़ी तस्वीर है वो निकल के आने वाली अरविंद केजरीवाल के इसी घर से, यहीं से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने साथ जाएगी, क्योंकि ये इन्फॉर्म कर दिया जी। श्वेता, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारी भीड़ है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। धारा 144 लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, वो केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल को ईडी यहीं से लेकर निकलने वाली है। केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर आप ऑडियो दीजिए, हमारे साथ मृदुल भी लगातार बने हुए। मृदुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्वेता, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, दिखाइए तस्वीरें। आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है श्वेता जी। श्वेता यहाँ पर मौजूद है, उनकी पार्टी कार्यकर्ता
रहा है वो विरोध कर रहे हैं ईडी की इस कार्रवाई का। जबरदस्त विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ जो कार्यकर्ता है वो ये बोल रहे हैं कि जो गिरफ्तारी है वो गलत है, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई है। गायत्री के पास चलते हैं। गायत्री इस वक्त सीधे केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। गायत्री जरा तस्वीरें दिखाइए, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, उधर श्वेता दिखा रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। शराब घोटाला मामला, 100 करोड़ की फंडिंग को लेकर लगातार जांच पड़ताल, और आज आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। विशाल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, बहुत बड़ी जानकारी अंदर से निकलकर विशाल निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। बिल्कुल गायत्री, इस वक्त की बड़ी जानकारी है ईडी सूत्रों के हवाले से जो आ रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से। थोड़ी देर में उनको ईडी के दफ्तर लेकर जाया जाएगा। तस्वीरें मैं दिखा दूं आपको, देखिए यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो आपको नजर आएंगे, हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो यहां पर नजर आ रही है। पूरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की बात करें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान जो है, आला अधिकारी जो है, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। बस इंतजार उसी तस्वीर का है जब ईडी के अधिकारी, 7 से 8 अधिकारी एक से डेढ़ घंटे पहले गए थे, और अब वो निकलेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर, ईडी दफ्तर जाएंगे। दफ्तर के पास भी जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। गायत्री भी हमारे साथ बनी हुई है। जी विशाल, विशाल आपके पास किसी कुछ बोल रहे हैं। पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई के कारण यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वाश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। तो आप आतिशी को सुन रहे थे जो सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठा रही थी, और बड़ी खबर इस वक्त ये कि आम आदमी पार्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके, तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। श्वेता हमारे साथ मौजूद है, श्वेता दिखाइए आतिशी वहां पहुंची है, क्या हालचाल है श्वेता? वो आई और उन्होंने साफ तौर, श्वेता आपको मेरी आवाज मिल रही है? श्वेता आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, आपके पास आएंगे। मृदुल हम दिखा रहे हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट, ईडी ऑफिस के बाहर क्या हालचाल है? केजरीवाल को किसी भी वक्त ईडी की टीम ईडी ऑफिस लेकर आने वाली है। मृदुल
बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं सोहेल आपको बता दूं, तीन रास्ते हैं, तीनों रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और पूरी बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है। मैं बिल्कुल ठीक ईडी के ऑफिस के दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं। और दूसरा आप देखिए, जरा फोर्सेस की तैनाती गेट पर भी की गई है, निशान जरा आपको तस्वीर दिखाएंगे। और दूर से मैं जो देख पा रहा हूं वहां पर भी फोर्सेज डिप्लॉयमेंट कर दी है, यानी अरविंद केजरीवाल को वहां से लाया जा सकता है। जो तीन रास्ते बताए गए हैं वहां पर पुलिस पहले से ही तैनात है, गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है, सिर्फ मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद है और कुछ पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए यहां पर भी अलर्ट पर सभी हैं, क्योंकि जैसे हम तस्वीर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब यह निकाला जा सकता है, पहले भी हमने देखा जब गिरफ्तारी हुई तो इस तरह से हंगामा किया उन लोगों ने, लेकिन बैरिकेडिंग करके पूरा रोक दिया गया है। और यहां पर पुलिस यहीं पर कुछ वक्त में अरविंद केजरीवाल को लेकर आने वाले, इस वक्त गायत्री मौजूद है केजरीवाल के घर के बाहर। आपके पास मृदुल आएंगे, गायत्री के पास चलते हैं। गायत्री वहां क्या हलचल है? हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली को लगभग जो रास्ते केजरीवाल के घर की तरफ जाते हैं, जो रास्ते ईडी के ऑफिस जाते हैं, उन सबको सील कर दिया गया। आप अपनी लोकेशन इस वक्त बताइए कहां है और केजरीवाल को किसी भी वक्त ईडी की टीम लेकर निकलने वाली है। बिल्कुल देखिए, मैं यहाँ पर एंट्री गेट है उसको बंद कर दिया गया, मैं वहां पर मौजूद हूँ। एग्जिट गेट वहां पर उसको भी सील कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि पिछले दरवाजे से ही अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां पर हलचल मृदुल लगातार दिखा रहे हैं। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज है जो अंदर पूरी की जा रही है, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, गिरफ्तारी कर ली गई है अरविंद केजरीवाल की, कुछ फॉर्मेलिटीज है वो अंदर की जा रही है। और उसके बाद जैसे वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है अपने साथ लेकर ईडी की जो टीम है अरविंद केजरीवाल को लेकर कभी भी निकल सकती है। पिछले दरवाजे से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकल सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया, पैरामिलिट्री फोर्स लगातार यहां पर मौजूद है। तस्वीरें मैं चाहूंगी एक बार दिखा दे उज्जवल, यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगातार मौजूद है। पिछले दरवाजे से ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त ईडी की टीम बताया जा रहा है। विशाल की अभी कुछ फॉर्मेलिटीज है, अंदर फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा किया जा रहा है और जैसे ही वो कंप्लीट होंगी अरविंद केजरीवाल को यहां से ले जाया जाएगा। बिल्कुल गायत्री, और आपको बता दें करीबन डेढ़ घंटे पहले का वो समय था। देखिए तस्वीरें, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर अलर्ट, लोकतंत्र की हत्या, क्राइम तोड़ के छड़ जो नाल चल रहे, चार लोग हटते नहीं हो सकते। और गायत्री हमारे साथ है। जी गायत्री, दिखाइए जरा तस्वीरें, हम देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स आपके पीछे। गायत्री तस्वीरें देखिए, ये हैवी डिप्लॉयमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये पैरामिलिट्री फोर्स आप देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है, हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया और ये बैरिकेड कर दिया गया है। देखिए पिछले दरवाजे से, पिछले वाले गेट से, उज्जवल मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखाइए, पिछले वाले गेट से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा ऐसी बहुत संभावना है। ये फोर्स आपको बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर हलचल बढ़ रही है, किसी भी वक्त पूरी कर रही है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा अपने दर्शकों को यह भी बड़ी जानकारी दे दें, मोबाइल फोन अरविंद केजरीवाल के अपने कब्जे में ले लिए गए हैं ईडी की तरफ से, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी गायत्री हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्हें पुलिस डिटेन कर रही है, देखिए जरा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केजरीवाल के घर से सीधी तस्वीरें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए थे, पुलिस उन्हें हटा रही है। केजरीवाल के घर के बाहर कार्यकर्ता मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें उठाया है वहां से जगह जगह। हालात खराब ना हो, कानून व्यवस्था काबू में रहे, इसलिए पुलिस एक्शन ले रही है। ये आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, केजरीवाल समर्थक जो वहां पहुंचे हुए थे उन्हें पुलिस वहां से हटा रही है। केजरीवाल के समर्थक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से बहस करते हुए आप देख रहे हैं, पुलिस कह रही है कि उन्हें यहां से हटाना है, पुलिस ने बस लगाई है उन्हें यहां से हटाने के लिए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं, पुलिस से बहस कर रहे हैं। धारा 144 लगी हुई है, पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और उस स्थिति में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है उन्हें दिल्ली पुलिस हटा रही है। मैडम आप क्या कर रहे हैं?
पुलिस से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की। भाई साहब देख रहे हैं, हम सीधे लिए चलते हैं गायत्री के पास। गायत्री जरा मूवमेंट दिखाइए। ये पता चल रहा है कि किसी भी वक्त केजरीवाल को ईडी लेकर निकलेगी, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, आप सबको पता है कि जिस तरीके से मोदी डरा हुआ है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी मौका नहीं दिया और उन्होंने आज ही नोटिस जारी हुआ, आज ही इतना घोटाले मामले गिरफ्तार किया, ईडी दफ्तर लेकर अंदर हुआ हार रहे है। कब तक आप लोग बैठे? देखिए ये गलत तो बहुत गलत, कोर्ट ने बोला कि अप्रैल में बात करने के लिए। आप देख रहे हैं केजरीवाल, देख रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं आम आदमी पार्टी के। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आतिशी आई, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बहुत गलत हो रहा है, लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है अब उसको कैसे जो आम आदमी पार्टी है इसके जरिए माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत किया गया है, ईडी का जो एक्शन है वो उसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई बता रही है। एक बार फिर से मैं सलील कहूंगी, तस्वीरें दिखा दीजिए, यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो चूंकि बढ़ाया जा चुका है इस गिरफ्तारी के साथ अरविंद केजरीवाल। श्वेता आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, आपके पास दोबारा आएंगे। ये तीन तस्वीरें आपके सामने देखिए, भारी पुलिस बल तैनात है, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम आपको दिखाई दे रहा है और केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर निकलने वाली है। आम आदमी पार्टी के समर्थक भी वहां मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें केजरीवाल के घर के बाहर की आप देख रहे हैं। शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है, किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संभवतः कल केजरीवाल को ईडी कोर्ट में पेश करेगी, ईडी केजरीवाल की रिमांड लेगी, केजरीवाल से पूछताछ के लिए केजरीवाल की कस्टडी लेगी ईडी और उसके बाद के कविता, केसीआर की बेटी के कविता को जो गिरफ्तार किया गया, बहुत मुमकिन है केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बिठाकर ईडी सवाल जवाब करेगी, क्योंकि केजरीवाल ईडी का सहयोग नहीं कर रहे थे, केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। केजरीवाल को ईडी ने कहा आप ईडी ऑफिस चलिए, उन्होंने चलने से मना कर दिया, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, सीधे केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ मृदुल लगातार बने हुए हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है मृदुल, और कल केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। पूरे मामले को देखा जाए तो लगातार ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की, एक एक सबूत को, तथ्यों को जोड़ा गया और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो मनी ट्रेल है और जो 150 करोड़ की बात बार बार कही जा रही थी उसके तार अरविंद केजरीवाल से अब जुड़ गए हैं और ईडी ने इसलिए जांच और सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोर्ट में भी बार बार इस तर्क को दिया है कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन यही आप समझिए कि इसी ईडी दफ्तर में अलग अलग जो शराब घोटाले में मुख्य आरोपी रहे हैं वो लाए गए हैं। के कविता, ताजा गिरफ्तारी उन्हीं की हुई है और उनकी गिरफ्तारी के बाद यही कहा जा रहा था क्या इसके तार अरविंद केजरीवाल तक जुड़ते हैं, क्योंकि बुच्ची बाबू की गिरफ्तारी हुई, समीर महिंदू की गिरफ्तारी हुई, विजय नायर का नाम सामने आया और ये वो नाम है सोहेल जो पूरी कड़ी को जोड़ते हैं और यही तार जुड़ते हैं अरविंद केजरीवाल के पास जाकर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो शराब नीति बनी है और जो दिल्ली में शराब नीति से सरकार को घोटाला हुआ, क्या सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को सब कुछ जानकारी थी? क्या अरविंद केजरीवाल की देखरेख में यह घोटाला हुआ है? क्योंकि इस घोटाले के तार अरविंद केजरीवाल तक अगर जुड़ते हैं तो सवाल यही पूछे जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए यह घोटाला हो गया और अगर उनको पता था तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, नहीं पता था तब भी सवाल है कि उनकी नाक के नीचे हो गया और उन्हें पता नहीं चला। तो यह वो सवाल है जिससे अब अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को जूझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना कहा जा सकता है, देखिए आप सुहेल, देखिए गाड़ियों पर गाड़ियां आ रही हैं, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जरा आप देखिए और ईडी और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट, रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, रात को 9:24 पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगे, केजरीवाल को गिरफ्तार न किया जाए।
दो घंटे पूछताछ हुई केजरीवाल के साथ, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके फोन, उनके गैजेट्स पहले ही ईडी ने जब्त कर लिए थे और सर्च वारंट के साथ ईडी केजरीवाल के घर पहुंची थी। आज रात ही सुनवाई की मांग करेगी आम आदमी पार्टी। आपको बता दें, हमारे सहयोगी केजरीवाल के घर के बाहर जहां उनके कार्यकर्ता मौजूद है वहां, और ईडी ऑफिस पर मृदुल मौजूद है। मृदुल, अगर आप दिखाइए तस्वीरें दर्शकों को कि ईडी का दफ्तर कहां है, वहां केजरीवाल को आज रात ईडी के ऑफिस में रहना होगा और उसके बाद सुबह केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी ईडी और उनकी रिमांड मांगेगी। बिल्कुल, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूं, दर्शकों को समझाता हूं। सोहेल, पहले ये आप देखिए, ये है प्रवर्तन निदेशालय का ऑफिस। यहां पर आप तस्वीर देखिए, यहां पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, पुलिस मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और एक एक करके सिर्फ और सिर्फ सरकारी गाड़ियों को इजाजत दी जा रही है या फिर बड़े जो पुलिस अधिकारी आ रहे हैं उन्हें इजाजत दी जा रही है। अब थोड़ा सा मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन निशान से कहूंगा कि वो पीछे आए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं जहां सीधे लिखा हुआ है धारा 144। ये आप देख सकते हैं, यहां पर लिख दिया गया है धारा 144 लागू है आसपास के पूरे इलाके में और यही सबसे बड़ा सबूत है कि अगर धारा 144 लागू है तो यहां पर कोई नहीं आ सकता है। अब दो रास्ते हैं यहां से आने के, जो दोनों खाली बताया जा रहा है और इसी रास्ते से या तो अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं या फिर पीछे का जो रास्ता मैंने आपको दिखाया, क्योंकि यहां पर सोहेल सिर्फ मीडिया कर्मी मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद है और जो तीन रास्ते मेन रोड, अगर आप ईडी दफ्तर आए हुए हैं सोहेल, यहां पर तीन रास्ते दिल्ली के जो जोड़ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। जो मध्य इलाका है दिल्ली का, उस पर फोर्सेस डिप्लॉयमेंट है, यानी दिल्ली पुलिस को पहले से ही तैयारी करने का। अभी जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होगा, केजरीवाल को कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, ईडी मुख्यालय में ही केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होना है और कल उनकी पेशी होगी, रिमांड ली जाएगी। अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए आप कहां हैं, आप फॉलो कर रही थी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल घर से बाहर चुकी निकाला नहीं गया उनको, लिहाजा जो उनके घर के बाहर की जो पूरी सड़क है वहां पर पूरे के पूरे ट्रैफिक यहां पर जाम हो चला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहां पे हुजूम उमड़ पड़ा है, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा रास्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ ये पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक हो चली है। एक तरफ जो पुलिस फोर्सेस है, सीआरपीएफ के लोग है, इसके अलावा जो बाकी फोर्सेज है, इसके अलावा बाकी जो पूरा रास्ता देख रहे हैं आप, ये जाम हो चला है। और जो दिल्ली के विधानसभा स्पीकर जो थे वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। मैंने सवाल पूछा उनसे कि क्या दिल्ली विधानसभा में स्थिति कैसी बनने वाली है, आप इस्तीफों को लेकर तस्वीर क्या दिखाई देती है, क्या संवैधानिक संकट बनना हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर? तो वो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आपको बताएंगे कि क्या किया जाएगा। तो दूसरी तस्वीर बदलने वाली कुछ देर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर, साथ ही दिल्ली विधानसभा को लेकर के भी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अरेस्ट होते हैं तो क्या उनका चार्ज किसी और को दिया जाएगा, क्या इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री, इसके बाद आगे क्या होने वाला है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, यह भी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री अरेस्ट हो रहे हैं अगर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर अरेस्ट हो रहे हैं, कुर्सी खाली हो रही है या फिर अरेस्ट हो रही है, तो ऐसे में स्थिति बनती क्या है, इसको भी लेकिन नजरें बनी हुई है। इस बीच अनामिका, हम ये ड्रोन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां ड्रोन लगाए गए हैं और बाकायदा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होना है, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है इस वक्त, उन्हें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पढ़वाया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है। गिरफ्तारी के बाद ईडी हेडक्वार्टर में केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, केजरीवाल का कोर्ट में पेश होने से पहले भी मेडिकल करवाया जाएगा। हमारे साथ मृदुल लगातार ईडी दफ्तर से बने हुए हैं। मृदुल, ईडी दफ्तर लेकर आया जाएगा, बताया जा रहा है वहीं उनका मेडिकल टेस्ट होगा, अभी इस वक्त उन्हें अरेस्ट मेमो पढ़वाया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है। बिल्कुल, और देखिए सोहेल, दर्शकों को भी और आपको भी याद होगा जब इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे झारखंड के, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ठीक हुबहू ऐसा ही पूरा प्रोसीड्यूर फॉलो किया गया था और अब यही प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल के लिए भी निभाई जा रही है। जो ईडी दफ्तर है मैं आपको दिखा देता हूं, यहीं पर मेडिकल होने वाला है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम और ईडी के जो तमाम हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं, अभी जैसे आपने बताया था कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे, कुछ गाड़ियां लगातार आ रही हैं दिल्ली पुलिस की, उनकी तस्वीर भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं सोहेल, और इसी इलाके
से अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त लेकर आया जा सकता है, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है उसको निभाया जाएगा, जो मेमो है उस पर सिग्नेचर होंगे, उस पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे, तभी वो अपनी गिरफ्तारी को मान्य बताएंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। देखिए एक और गाड़ी आ गई है और किसी भी वक्त मुझे लगता है इस तरह की गाड़ियों का आना, सोहेल ये बता रहा है कि अंदर भी जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, जो फोर्सेज हैं, उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां मूव करेंगे, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया सुबह तक चलेगी और सुबह भी बड़ी संख्या में यहां कार्यकर्ता आ सकते हैं, इसलिए इलाके में धारा 144 लागू की गई है, रास्तों को बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। और सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी दफ्तर आएंगे तो उनसे किन सवालों के जरिए उनका सामना किया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोल रहे हैं, सुनिए जरा। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था, सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। जी, और हमारे साथ श्वेता मौजूद है। श्वेता, आप कहाँ मौजूद है जरा बताइए, और किसी भी वक्त केजरीवाल को ईडी लेकर निकलेगी? वक्त हो गया है 9:31, हम देख रहे हैं जगह जगह जाम लगा हुआ है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लोग निकल नहीं पा रहे। श्वेता हमारे साथ, गायत्री भी मौजूद है, गायत्री और विशाल। गायत्री, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी, आपको बता दूं कि मेमो इस वक्त भरवाया जा रहा अरविंद केजरीवाल से, उनका मेडिकल भी होगा। और ये तस्वीरें उज्जवल, एक बार रैपिड फोर्स आपको दिखा दूं मैं, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर मौजूद है और लगातार यहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट मूवमेंट से ये पता चल रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां से निकल सकते हैं। लेकिन जो दूसरे वाला गेट है विशाल, जो दूसरे वाला गेट है, वहां पर हो सकता है कि वहां से उनको ले जाया जाए ईडी दफ्तर, जैसे कि मृदुल भी वहां पे तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर भी हलचल बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है, मेडिकल उनका कराया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि जो ईडी दफ्तर है, ईडी मुख्यालय, वहीं पर उनका मेडिकल होगा। फिलहाल अरेस्ट मेमो उनसे भरवाया जा रहा है और विशाल मेरे साथ लगातार बने हुए। विशाल, अभी अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए गायत्री, आप बता दें, जो हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मिनटों के बाद जो है वो ईडी की, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये मेन बताया ये जा रहा है कि इस गेट से अरविंद केजरीवाल नहीं निकलेंगे बल्कि पीछे वाले गेट से निकलेंगे। और एक बड़ी खबर और देते, आज रात केजरीवाल की ईडी मुख्यालय में ही गुजरने वाली है। जी गायत्री बता रही है, केजरीवाल को आज रात ईडी दफ्तर पर ही रखा जाएगा। ये ड्रोन कैमरा भी आपको नजर आ रहा है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आ गए हैं दिल्ली की सड़कों पर, इसलिए उन पर नजर रखी जा रही है। श्वेता का फ्रेम फ्रीज है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, केजरीवाल के समर्थक जिन्हें बसों में भरकर ले जाया जा रहा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एम्बियंस दीजिए इसका जरा प्लीज। मृदुल हमारे साथ लगातार बने हुए। मृदुल, एक बड़ा सवाल ये, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। रात के इस वक्त 9:33 हो गए, अमूमन सुप्रीम कोर्ट का रुख उस वक्त किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है जब जिंदगी और मौत से जुड़ा मसला हो तब आप रात तक मेरे पास आए, तो समझ में आता है गिरफ्तारी के मामले में, वो भी करप्शन के मामले में, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में बहुत इंटरटेन करता है इस तरह की याचिका और मांग? बिल्कुल, देखिए सोहेल, मैं लगातार आपको तस्वीर भी बता रहा हूं और दिखा भी रहा हूं, यहां पर भी अलग अलग तस्वीर हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही हाईकोर्ट ने कहा है कि हम आपको राहत नहीं देते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को आज ही झटका लगा और कहा ईडी से कि आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच करिए। अब हाईकोर्ट का फैसला और कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना, ये बड़ा सवाल है। मैं उसी के साथ साथ आपको तस्वीर भी दिखाता हूं सोहेल, इस चर्चा के साथ, क्योंकि यहां पर कुछ जैकेट्स
आ गई हैं, कुछ हेलमेट आ गए हैं, रस्सियां लगा दी गई है, यानी सीधा मतलब यही है कि अब यहां पर किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लाया जा सकता है। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, ये गेट पर अभी इन सबकी एंट्री हो रही है और भी सामान यहां पर लाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट भी मैं देख पा रहा हूं और ये लाठियां जो है ये भी इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, यानी यहां पर भी कार्यकर्ता आएंगे तो उसके लिए पूरी तैयारी है। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा था सुप्रीम कोर्ट का, उसी पर अब निगाहें बनी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ ही मामलों में पहले खुला है, या तो वो मामले सियासी रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट का रात में रुख किया गया था जब रात में कार्यवाही चली थी, और कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिसका जिक्र सियासत में होता रहा है, जब किसी को फांसी दी जानी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन अब सवाल यही है कि इस मामले को कितनी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जाती है तो इसका सीधा मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी जान लगा देगी, और यही नजर आ रहा है अभी तक हमें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। लेकिन अब देखना होगा ईडी की तैयारी क्या है, पुलिस की तैयारी क्या है, क्योंकि अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बहुत सारे कानून है। मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना होगा। जी आपके पास आऊंगा मृदुल, आज आपको देर तक रुकना पड़ सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां ईडी के ऑफिस पहुंचेंगे, ईडी लेकर पहुंचेगी। अभी केजरीवाल के घर में अरेस्ट के बाद फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, दस्तावेज भरे जा रहे हैं, अरेस्ट मेमो भरा गया है, जानकारी ये मिल रही है। केजरीवाल को बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है, अरेस्ट मेमो भरा गया है और केजरीवाल को इत्तला की गई कि आखिर उन्हें ईडी क्यों गिरफ्तार कर रही। कोर्ट में भी ये बात ईडी के वकील ने कही थी कि जब गिरफ्तार किया जाता है तो जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसे बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी की वजह बता दी गई है, कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के दफ्तर में ही केजरीवाल की रात गुजरेगी, पेशी से पहले मेडिकल भी कराया जाएगा मृदुल, और वहीं जहां आप मौजूद हैं उसी दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में जहां मनीष सिसोदिया को रखा गया था, जहां सत्येंद्र जैन भी रखे गए, जहां गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह भी रखे गए, वहीं केजरीवाल की आज रात गुजरेगी। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है सोहेल कि अब ईडी दफ्तर पर सबकी निगाहें बन गई है, क्योंकि ईडी दफ्तर पर देखिए धीरे धीरे अधिकारियों का आना जाना, दिखाइए जरा निशान, गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है, अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया। इसका सीधा मतलब यही है कि अब यहां पर लाने की तैयारी है सोहेल, और ये समझा जा सकता है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहां पर लाया जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। और ये कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी गिरफ्तारी हुई है सबकी रात इसी दफ्तर में गुजरी है, और हाल ही में जैसा मैं आपको बता रहा था के कविता गिरफ्तारी हुई है, क्या अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, क्या अब जो पहले सबूत मिले हैं ईडी को उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को काउंटर किया जाएगा, क्योंकि जो नाम मैंने पहले आपको बताए थे उन लोगों ने ये वादा किया है, दावा किया है, और जो चैट सामने आई है सोहेल आप अपने शो में कई बार उसको दिखा चुके हैं, तो क्या चैट जो अरविंद केजरीवाल के नाम को बता रही थी उसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास होगा, ये वो सवाल है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे और इसी दफ्तर में पूछे जाएंगे। यहां पर हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है, मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा, देखिए फोर्सेस बढ़ गई हैं सोहेल, जो मैं देख पा रहा हूं पहले इक्का दुक्का थे लेकिन अब करीबन दो दर्जन से ज्यादा यहां पर फोर्सेस की तैनाती हो गई है, अंदर बढ़ा दिया गया और दो रास्ते जो थे उनमें से एक रास्ते को पूर्णतः बंद कर दिया है, यानी वहां पर सिर्फ पुलिस के जवान ही मौजूद रहेंगे या फिर फोर्सेस डिप्लॉयमेंट होगी। पहले मीडिया कर्मियों को इजाजत थी लेकिन वहां पर भी अब इजाजत नहीं है, इसका सीधा मतलब यह कि अब यहां पर जी मृदुल अब से कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मीडिया के सामने आई, आतिशी ने बताया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, सुनिए जरा आतिशी ने क्या कहा। खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। और आपको बताऊं, इस वक्त आपको बता दूं, सीधे आपको लिए चलते हैं विशाल, अगर मेरे साथ बने हुए हैं विशाल, अगर गायत्री मेरी आवाज आपको आ रही है और संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगा। संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं अभी, संबित पात्रा का फ्रेम आप देख रहे थे और हम सीधे चलेंगे गायत्री के पास। गायत्री खबर मिल रही है पीछे वाले गेट से केजरीवाल को लेकर निकल सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं पहले से बोल रही थी आपको कि यहाँ पर इसीलिए मीडिया को किया गया था, बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। पिछले वाला जो गेट है वो वहां पर खाली किया गया, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट है, इधर रैपिड एक्शन फोर्स भी, उधर पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद है, और इसीलिए बहुत संभव यही है कि उसी तरफ से वहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा, उस वाले गेट से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचेगी और किसी भी वक्त वहां से निकला जा सकता है। मूवमेंट ये बता रही है कि किसी भी अरविंद केजरीवाल करेंगे। देखिए जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार मनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है, विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे, आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका, खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है, क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है, इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल के सलाखों के पीछे हैं, कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर घर के सामने बड़े बड़े वचन से ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतिशी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है, आई शुड से ही इज अ बैड आइडिया, अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through an excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. Manish Sisodia, inke education mantri the, shiksha mantri the. Aapne vishwa mein kahin suna hai, shiksha mantri sharab ke ghotale se paisa mana raha hai.
जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके, शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है, क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। क्या कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया? उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी समन्स को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे कि ये आपको सीधे लिए चलते हैं। आप संबित पात्रा को सुन रहे थे जो सीधे केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ गायत्री मौजूद है, मृदुल है, अनामिका हमारे साथ मौजूद है। गायत्री, गायत्री अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, एक्चुअली बहुत से हमारे संवाददाता जहां मौजूद हैं वहां बहुत हलचल है, जैमर लगे हैं, वहां मशीनें काम नहीं कर रही हैं। गायत्री अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, बताइए, इस वक्त बताया जा रहा है कि अरेस्ट मेमो भरवाया गया है, आपके पास क्या जानकारी? जी, और खासकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो आज भ्रष्टाचार का पर्याय बने हुए हैं, जिन्होंने कभी भी कानून का पालन नहीं किया, मैं समझता हूं उन्होंने खुद अपने हाथों पर हथकड़ी लगाई है अपने कृत्य कुकर्मों से और कृत्यों से। तो गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, मृदुल के पास चलेंगे, मृदुल ईडी ऑफिस में मौजूद हैं। मृदुल, इस वक्त आखिरी प्रोसीजर चल रहा है, मुझे लगता है ईडी या तो दस्तावेजी काम कर रही है, फॉर्मेलिटीज कर रही है, या फिर इंतजार कर रही है कुछ और वक्त हो जाए और ट्रैफिक कम हो, क्योंकि केजरीवाल को लेकर निकलना है, रूट कौन सा होगा ये सारी चीजें तय करके, जिस तरह से गायत्री बता रही थी कि पीछे के रास्ते से लेकर निकलना है, और वहां ईडी ऑफिस में भी मृदुल दो गेट है। बिल्कुल, और देखिए सोहेल, मैं अभी जब यहाँ पर आ रहा था, पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूँ। देखिए दिल्ली पुलिस की ऐसी गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं, और इसका सीधा मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं पहले से ही गश्त पर हैं, रूट भी पहले से ही तय कर लिया गया है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुँच रहा था सोहेल, तब मैंने देखा है कि जो पूरा इलाका है, आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो या फिर ईडी ऑफिस हो, अरविंद केजरीवाल के घर से जो पूरा इलाका जाता है मध्य में, जो हम कहते हैं दिल्ली का इलाका, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यही है कि कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर पुलिस की पहले से ही नजर है। और दिल्ली पुलिस, जो आप रूट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा रूट लिया जाए जहां पर कोई भीड़ ना हो, क्योंकि आमतौर पर जरूर भीड़ देखते हैं दिन में, लेकिन इस वक्त ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं है। तो रास्ते पहले तय किए गए होंगे, दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क में होंगे। और दूसरी बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि अंदर जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है, अब गिरफ्तारी पर सहमति दे दी है अरविंद केजरीवाल ने, क्या और आगे वो चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले भी अंदर ही मौजूद हैं। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह के राजनेता रहे हैं, वो अपने जरूर कोशिश करेंगे कि इस गिरफ्तारी को टाला जाए, क्योंकि समन पर समन भेजे गए, लेकिन वो टालते रहे, गैर कानूनी तरीके से बताए गए, और अभी तक अरविंद केजरीवाल का कोई अंदर से बयान सामने नहीं आया, तो उनकी कोशिश भी हो सकती है। जी, मृदुल, कानूनी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी जानकार जो हैं, उनका कहना है कि केजरीवाल अगर सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो उन्हें भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यही संजय सिंह के केस में भी हुआ था। उनकी गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद निचली अदालत भी गए, अभी संजय सिंह का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो केजरीवाल को गिरफ्तारी पर रोक या राहत मिलने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। केजरीवाल को अब ईडी का सामना करना पड़ेगा, कस्टडी में रहना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे। हो सकता है केजरीवाल को चुनाव के दौरान, पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहना पड़ जाए, तिहाड़ में ही रहना पड़ जाए, जमानत ही ना मिले, यह भी संभावना है। गायत्री भी हमारे साथ बनी हुई है, गायत्री अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। गायत्री, आप कहां मौजूद है, आपके पीछे काफी हलचल देख रहे हैं। जी, एक मिनट में तुरंत आइए।
देखिए सोहेल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो बसेस थी, जो गाड़ियां थी, उनको हटाया जा रहा है और हो सकता है कि इसी रूट से अरविंद केजरीवाल को ईडी की जो टीम है वो ईडी दफ्तर के लिए लेकर निकले। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दिया गया है। ये अरविंद केजरीवाल का जो घर है उससे बराबर का जो रूट है वहां पर अब पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ से तमाम जो व्हीकल यहाँ पर थे, जो गाड़ियां थी, बसेस थी, उनको हटवाया जा रहा है। ये डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इसी रूट से लेकर जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता भी उधर मौजूद है, उनको भी उधर जाने के लिए कह दिया गया है। पूरा जो रोड है वो खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ से ईडी की जो टीम है वो निकल सकती है। ईडी दफ्तर पर भी हलचल बढ़ गई है, लेकिन हलचल यहाँ पर भी बढ़ गई है। अभी यहाँ पर पूरे तरीके से रास्ता जब क्लियर हो जाएगा तो जी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। बिल्कुल गायत्री, आपको बता दें कि कुछ मिनटों का इंतजार है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको ईडी की टीम जो है वो लेके निकलेगी। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस देखिए दोनों जो जी विशाल आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर बने हुए, शराब घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी, दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, हेमंत सोरेन करप्शन के मामले में गिरफ्तार हुए और अब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हो गए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गिरफ्तारी कर ली गई है अरविंद केजरीवाल की, कुछ फॉर्मेलिटी